हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथिस गामित और आज हम सीखने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस के प्रकार ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या होता है। जैसे हम सब जानते हैं, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। एक वाक्य जो कि शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह है जो कंप्लीट सेंस बनाता है, जिसे हमें समझ में आता है, नहीं कि आधा अधूरा, समझ में आना चाहिए, वो सेंटेंस है, ऐसी डेफिनेशन बोलती है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, शीला इज, बस इतना ही, शीला इज, शीला है, लेकिन क्या है, लड़की है, लड़का है, जवानी है, कौन है, तो ऐसे सवाल होते हैं, मतलब ये आधा सेंटेंस है, मतलब वो सेंटेंस नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अ यंग गर्ल, एक जवान लड़की, एक जवान लड़की है, लेकिन कौन है, क्या नाम है, वो सब सारे सवाल खड़े होते हैं, मतलब ये भी आधा अधूरा सेंटेंस है जो कंप्लीट सेंस नहीं करता। लेकिन हम ऐसे बोले, शीला इज अ यंग गर्ल, शीला एक जवान लड़की है, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट सेंस होता है, मतलब पूरा सेंटेंस क्लियर है कि शीला ही यंग गर्ल है, वही जवान लड़की है, तो उसको हम बोल सकते हैं अ सेंटेंस। तो ये हुई सेंटेंस की बात। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस के चार प्रकार है। पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, दूसरा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।